मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए। पौधे सिर्फ जानदार ही नहीं, अहसास भी होते हैं माँ। इन पे तवज्जो न दो तो मुरझा जाते। मेरी जिंदगी भी अब एक मुरझाए हुए पौधे की तरह ही हो गई है बेटे, जो एक अरसे से तुम्हारी तवज्जो से महरूम है। मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, मगर काश मैं कुछ कर सकती। बच्चियां कहाँ हैं? नाश्ता नहीं करेंगी क्या? दरअसल वो मोमना को यूनिवर्सिटी जाने की जल्दी हो रही थी, वो तो चली गई और मासूमा अपने कमरे की सफाई कर रही होगी। वैसे दोनों ने एक साथ नाश्ता किया। वकार, आपने नदीम के बारे में मालूमात की? हाँ, मैंने अपने एक दोस्त को कह रखा है, उसका बेटा उसी फर्म में जॉब करता है। खालदा भाभी का भी फोन आया था, पूछ रही थी मुझसे, मैंने दो चार दिन का कह दिया। ये बहुत अच्छा किया तुमने, वेरी नाइस। इन कामों में ताखीर अच्छी नहीं होती वकार, अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आई नो फातिमा, डोंट वरी, मेरा ख्याल है उन्होंने मालूमात करा ली होंगी। मैं आज मिलता हूँ उनसे। हालांकि मोमना मासूमा से 6 साल छोटी है, मुझे तो उसकी भी फिक्र होने लगी है। बच्चियों का क्या है, बच्चियां तो यूं ही देखते देखते बढ़ जाती हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता। और जब पता चलता है तो उनकी जुदाई का वक्त आ जाता है। यही तो दस्तूर जमाना है। भाई सफिया, जल्दी से जूस लेके आओ और नाश्ता जल्दी लगवा देना, मुझे आज बैंक जाना। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, आज ये इनकलाब कैसा? इनकलाब नहीं, कामयाबी मामू जान। हालांकि इस इनकलाब के लिए मैं कोशिश तो हर रोज ही करती थी, मगर नाकाम हो जाती थी। हर बार मुमानी बाजी ले जाया करती थी। इसका मतलब है कि आज तुमने अपनी मुमानी जान को शिकस्त दे दी। शिकस्त तो तुमने मुझे आज से परसों पहले ही दे दी थी। पता नहीं क्यों मुझे मासूमा बड़ी बड़ी सी लगने लगी है। ऐसा लगता है वकार जैसे उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। खैर से उसकी रुखसती हो तो मैं मोमना के लिए भी कोशिश करूं। मोमना? अरे भाई, उसे तो बाहर पढ़ने के लिए जाने की धुन सवार है, वो तो अपने आप को मेरा बेटा समझती है। उसके समझने से क्या होता है, हकीकत बदल तो नहीं जाएगी ना, और हमें तो वैसे भी अपना फर्ज पूरा करना है। आज से कोशिश करूंगी तो कहीं जाके अच्छा रिश्ता मिलेगा। इंशाल्लाह, जो अल्लाह को मंजूर। बस अल्लाह हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। अरे आप नाश्ता तो करें। अरे भाई, आप देंगे तुम करेंगे ना नाश्ता। ये लीजिए। थैंक यू। अरे मुमानी जान, आप कहाँ जा रही हैं? मैंने आपके लिए भी जूस बनाया है। तुम्हें मालूम है मैं जूस नहीं पीती। मगर अब तो मैंने बना लिया ना। क्यों ना, छोड़ो, तुम खुद ही पी लो। अच्छा तुम बैठो मेरे पास।
ये बताओ कि तुमने वो नौमान के लिए कोई लड़की ढूंढी? कहाँ मामू जान, लड़कियां तो बहुत देखी हैं, मगर मतलब की एक भी नहीं। भाई जल्दी फैसला कर लो, बाजी दफा ताखीर जो है ना वो पछतावे का सबब बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया मुझे? हाँ, वो आज मुझे बैंक जाना था, मगर आज मुझे कुछ अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। खुदा ना खास्ता कि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे नहीं बेटा, वो सर में हल्का सा दर्द है, शायद मौसम की वजह से ऐसा है। मैं नाले से कहता हूँ अदरक वाली चाय बना देती आप। नहीं नहीं, उससे तो मैं खुद कह दूंगा। ये लो, ये मेरे लॉकर्स की चाबियां हैं, उसमें जितनी प्रॉपर्टी की फाइल्स हैं सब ले आओ। प्रॉपर्टी की सारी फाइल्स? लेकिन अब बजाना ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई है? मैं चाहता हूं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूं। बेटा जिंदगी का क्या भरोसा? क्या हो गया आपको अब्बा जान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे हमेशा। बेटा मुझे अपना फर्ज अदा करने दो, तुम मेरी वाहिद औलाद हो और तुम ही इस सारी प्रॉपर्टी की हकदार। अगर भाईजान, मत नाम लो उसका मेरे सामने। हजार दफा कह दिया है उसका नाम मेरे सामने मत दिया करो, मर चुका है वो मेरे लिए। देखिए अब्बा जान, आपकी तबीयत पहले ही खराब है, मत हुआ करें परेशान। आपकी सेहत के लिए टेंशन लेना ठीक नहीं है। आपको फाइल्स चाहिए ना, लाकर दे देता हूं आपको फाइल्स। फजूल कामों में जाया करती हो, रात में पढ़ती हो, अजीब हो तुम। आपी मैं क्या करूं, आपको पता है ना मैं दिन में नहीं पढ़ सकती। अब तुमने इसे अपनी आदत बना लिया तो मैं क्या कह सकती हूं तुम्हें। मेरी प्यारी आपी, अगर मैं रात को ना भी पढ़ूं तो मुझे नींद कहां आती है? आप देखती है ना मैं कितनी देर तक जाग रही होती हूं रात को। जो देर तक जागते हैं पता है ना उन्हें क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल जानती हूँ। तो फिर तो आप भी जानती होंगी कि अगर मैं वो हुई तो आप क्या हुई? धत पागल। आप ही एक बात बताऊं, मैं ना पढ़ पढ़ के बहुत ही बोर हो गई हूँ, और हम कब से कहीं बाहर भी नहीं गए, कोई आउटिंग नहीं की। इस वीकेंड प्लान करें? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप तो शायद भूल गई कि कल से आपके एग्जाम शुरू हैं। ओहो वो तो मुझे याद है, वो कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन चार दिन का गैप भी तो है, अब मैं क्या घर पे बैठ के मक्खियाँ मारूँ? भाई चार दिन का गैप है तो नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करो, कोई जरूरत नहीं आउटिंग की। आपी देखिए मैं आपकी तरह ना किताब का कीड़ा बिल्कुल भी नहीं बन सकती, मेरी तैयारी बिल्कुल कम्प्लीट है और मैं एग्जाम से एक घंटा पहले रिवाइज कर लेती हूँ बस। वाह क्या बात है, आप जैसे जीनियस लोगों की, वेरी नाइस। है ना, आखिर बेटी किसकी हूँ? वकार अली शाह की, जिन्होंने स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक हमेशा टॉप किया है। हाँ मम्मी मुझे पूरा यकीन है कि तुम बाबा का नाम जरूर रोशन करोगी। बस आप ही दुआ करें कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, मैं आगे की तालीम ऑक्सफोर्ड जाके हासिल करना चाहती हूँ।
ये मेरा बचपन का ख्वाब है, आपको पता है ना? इंशाल्लाह तुम्हें स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी, इतने जीनियस जो हो तुम। अच्छा आप खाएंगे? नहीं कपड़े लगे। अच्छा नहीं भी ठीक है। मुमानी जान आज क्या बनवाया जा रहा है खाने में? मुमानी जान आज किस सोच में गुम हैं आप? लगता है आज फिर किसी की याद आ रही है। वो किसी नहीं है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। हाँ तभी पलट कर नहीं देखा कभी आपको। वो तो इस घर में रोज आता है, ये और बात है कि उसको इस घर के अंदर आने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो आता है तो मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। कहाँ कब? आपके ख्यालों में, ख्वाबों में? अब तो उसकी बेटी भी बड़ी हो गई होगी, न जाने कितने और बच्चे हैं उसके। हाय हाय, अगर हम सब लोग साथ रह रहे होते तो मैं तो उसकी बेटी की शादी अपने नुमान से कर देती। और आपका ख्याल है मैं कर देती? नुमान मेरा बेटा है और मैं किसी ऐरे गैरे की बेटी को हरगिज ब्याह कर नहीं लाऊंगी। किसी अच्छे खानदान की अच्छी लड़की मेरी बहू बनेगी, कोई रास्ता चलती नहीं। अरे अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? वो हमारा खून है। और उसकी माँ? नेक फितरत और अच्छी आदत होना ही एक अच्छे इंसान की अलामत है। किसी अच्छे खानदान से होना किसी की शराफत की दलील तो नहीं हो सकती ना। वो खुद बहुत अच्छी थी, यकीनन उसने अपनी बेटी की तरबियत भी बहुत अच्छी की होगी। कोई अच्छा हो या बुरा मेरी बला से, मगर मेरे बेटे के काबिल हरगिज नहीं। लेक्चर लगी आजादी से, घूम फिर लो, एंजॉय करो, फिर करती रहना शादी वादी। I'm 100% agree with you. Hi Adil, how are you? Fine dear. इंट्रोडक्शन नहीं कराओगी अपनी दोस्त से? ये सारा है मेरी बेस्ट फ्रेंड, और सारा ये अदील है मेरे स्कूल के दोस्त। ये लोग रिसेंटली इस्लामाबाद से यहाँ शिफ्ट हुए हैं और अब ये यही यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंटिन्यू करेगा। Nice to meet you, सारा। अच्छा माहिन अब मैं चलती हूँ, तुम अपने फ्रेंड को कंपनी दो, बाय। बड़ी प्राउड है तुम्हारी दोस्त। वो ऐसी ही है। लंच किया तुमने? नहीं यार। चलो लंच करते हैं। साथ। क्या बात है, मूड ऑफ लग रहा है बेगम साहबा का। मूड ऑफ ना हो तो क्या हो, दिन रात खिदमत करें हम और तारीफें हमेशा करें वो वकार और फातिमा की। कौन? अम्मा और कौन, हमेशा मेरे सामने उन्हीं की तारीफें करती हैं जैसे उनके साथ रही हूं कभी। अम्मा जो है भाईजान से बहुत प्यार करती हैं, और फिर उनकी नस्बत उनकी बीवी से भी प्यार करने लगी। खूब है ये गायबाना मोहब्बत भी। फातिमा के बारे में तो ऐसे बात करती है जैसे उसे करीब से देखा हो, जानती हूँ। Come on, Ella. क्यों अपना दिल चला रही हो? अम्मा लाख उनकी तारीफें करें लेकिन वो हमारे लिए गैरी हैं। अब्बा ने उन्हें जायदाद से आग करने का फैसला कर लिया है। क्या? मगर ये आपको किसने बताया?
अब्बा ने कहने लगे मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद भी वकार इस घर में आए, इसलिए मैं उसे बाकायदा आग करना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी के पेपर्स मंगवाए उससे, सब कुछ मेरे नाम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। अगर वकार इस घर में नहीं आया तो मेरा इंतकाम कैसे पूरा होगा? मगर अम्मा तो ऐसा कभी नहीं होने देंगी। अब्बा ने कभी बात मानी है अम्मा की? अगर मानी होती तो भाईजान कभी इस घर से बाहर ना निकलते। मेरा ख्याल है कि अब्बा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। खस कम चहा पाक। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर भाईजान आक हो गए तो ये घर, ये जायदाद, प्रॉपर्टी सब कुछ हमारा होगा, वरना आधा आधा करना पड़ेगा। अरे हाँ, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। Come on, मैं हूं ना सोचने के लिए, फिर तुम्हें सोचने की क्या जरूरत? ये लो फाइल्स, इन्हें संभाल के रखना। और दूसरी बात, अब्बा को पता बिल्कुल मत चले। मगर क्यों? हो ना भोली की भोली, पहले इन तमाम फाइल्स को मैं पढ़ूंगा, फिर इनकी फोटोस्टैट कराऊंगा और कॉपीज अपने पास रखूंगा। इज इट क्लियर? वकार, वो क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। मैं तो तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुमने आज पकाया क्या है। मैं तो डर ही गई थी। आपकी पसंदीदा डिश, स्टू और माश की भुनी हुई दाल। अरे वाह, मैं तो सोच ही रहा था कि आज तुमसे स्टू की फरमाइश करूंगा। आपने सोचा और आपकी सोच मेरे दिल तक पहुंच गई। अरे आप आज जल्दी क्यों नहीं आए? आपका तो हाफ डे था। वो बॉस है ना, बॉस मेरे, वो उन्होंने बिठा लिया मुझे अपने साथ कुछ डिस्कशन के लिए, और फिर उनके साथ मैंने लंच भी कर लिया। आपको पता है वकार, आपका चेहरा झूठ का साथ नहीं देता। मैं चाहता हूं कि लोग इस वाक्य को भूल जाएं, मगर वो भूलने नहीं देता। रोज आके मेरे दरवाजे पे खड़ा हो जाता है ताकि लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाए। अब मैं घर के मुलाजमीन को क्या बताऊं कि वो कौन था जो तुम्हें मां कहकर बुला रहा था? गाड़ी अंदर करके दरवाजा बंद कर देना। ठीक भाई, घर में कोई है? आपका नाम? वकार।